सुभान अल्लाह। उसकी वजह क्या है बताऊं आपको कि आखिरी नात है और आप गए नहीं, आप महफिल में आए हैं। अच्छा जी, ये एक बड़ी बात है और अल्लाह आपको इसकी बरकत अता फरमाए। बाहर भी बैठे हैं, अंदर भी उसी तरह ही बैठे हैं जैसे आए थे वहाँ, इधर वैसे ही बैठे हैं। अल्लाह ताला आपके घरों में ख़ास रहमतें फरमाए, बहुत ज़्यादा आपको बरकत अता फरमाए। और आपको पता है कि आज जो किबला साहबज़ादा हमारे पीर हकीम फैज़ रसूल चिश्ती दरबार अलिया सज्जादनशीन दरबार हैदरी आप तशरीफ़ फरमा हैं, और बड़ी मोहब्बत से आप थोड़े लील भी हैं, बीमार भी हैं, फिर भी सरकार की महफिल में आप तशरीफ़ फरमाएँ काफ़ी देर से। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और मेरे बड़े ही मोहतरम जनाब किमला अमजद भट्टी भाई, अमजद भट्टी साहब आप तशरीफ़ फरमाए हैं, आप भी पहली महफिल भी मेरे साथ थे, अभी भी काफ़ी देर से एक जगह बैठे हैं। अल्लाह ताला आपको भी सेहत अता फरमाए। और मेरे ये जो भाई हैं, मतलब के असद अलवी, अहमद अलवी और हफीज अल, ये तो इनकी वजह से सारे सबसे मुलाकात हुई शफीक अली से। और बड़े मोहतरम जनाब भाईजान हफीज अलवी साहब, इनको अल्लाह ताला बहुत बरकत दे। ये अल्लाह और उसके रसूल की खातर मोहब्बत करते हैं जी। माशाल्लाह चाचू जी तशरीफ फरमाए। चाचू जी शुक्रिया। सेठ अली साहब कैसर भाई तशरीफ फरमाए हैं, मैं कहना कि काफ़ी देर से बैठे हैं, बैठे अलवी बरादरान सुबहान अल्लाह कहते हो जेडे, मैं तो यह नहीं कहना जेडे थक गए हो, मैं नहीं कहना क्योंकि कोई थकिया ही नहीं, सारे चेहर से मुस्कुराहट है सुबहान अल्लाह। तो से फिर सुबहान अल्लाह, होर भी दूरों नज़दीक तो जिन्हें हबाब तशरीफ फरमाए हो, पीर साहब जी साहबजादा साहब तशरीफ फरमा ने, एक होर साहबजादा साहब साहब लाहौर ने, उन्हें आना से बस उन्होंने मजबूरी। तो अल्लाह ताला मेरा पढ़ना थोड़ा सुनना अपनी बुलंद बारगज कबूल फरमाए। और मेरे मोहतरम कुबला हफीज अलवी साहबजादे जेडे चारे ने, अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमाए और इस तरह जौक शौक नाल सरकार की महफिल सजा ते आंदे जांदे रहन। रल के सारे लबैक साउंड वाले अल्लाह ताला आपनूं बरकत अता फरमाए। एम डी फेसबुक के उत्ते लाइव जा रहे हैं, तुम उत्थे भी शेयर कर सकते हो इन्होंने आई डी ताकि होर लोग भी सुन लें। ठीक है जी, सुभान अल्लाह। हाथ हाथ चुके एक बार को सुभान अल्लाह। मैंने जो हुक्म है वह पेश करना है। और जिन्हें कारी काशिफ साहब पाशा अपनी हाजिरी पेश की है मस्जिद कारी साहब, उन्होंने सारे पेश हाजिरी कर ली है, हम एंड ते रह कौन गया है? मेरे तो बाद दुआ है बस, उस तो बाद लंगर होएगा। तो सारे मिलके हजूर की बुलंद बारगा दरूद पाक दा नजराना मिलके पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। फिर पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पुत्र हुसैन होवे केड़ा यो दी रीस करे, केड़ा यो दी रीस करे, केड़ा यो दी रीस करे, जिदा पुत्र
हुसैन होवे केड़ा यो दिलीस करे केड़ा यो दिलीस करे जिदा पुत्र हुसैन होवे केड़ा यो दिलीस करे जिदा पुत्र हुसैन। खुश नसीबी ने मेरा साथ दिया बचपन से मेरे होठों पे है आका की सना बचपन से मैं बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ। हाथ खड़ा करो यार सारे दल के कहो बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला मैं बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला मैं बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ। मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हाँ हाँ बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला मैं बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ। मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ। नाजाग मेरे वक्त पे शाह के ज़माना नाजा है मेरे वक्त पे शाह के ज़माना नाजा है मेरे वक्त पे शाह शाहान जमाना का साली दहलीज पयंबर पे खड़ा हो साली दहलीज पयंबर पे खड़ा हो। मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हो मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हो। और मैं हर नाम तो बाद की कहना हर नाम तो बाद की कहना है हाथ चौके सारे कहना और रही سلام المقبل المهيمن عزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور غفار قهار وهاب رزاق الفتاه العليم القابض الباسط راضي المعز المذل البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العزيز الغفور الشكور الكبير حفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الغازي الحكيم الخدود مجيد باعث الشهيد बाजू उठाओ यार अल्लाह के घर से बैठे हो ये आवाज बधाओ कटाओ नहीं हर बंदा हाथ उठाए तो कहे अल्लाह 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 अल्लाह। बेटा को मसला है अल्लाह अल्लाह